टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शेखपुरा में दर्जनों प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला रहे शिक्षकों ने आज जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि वे कोरोना जैसी भीषण महामारी के कारण और काफी दिनों से लॉकडाउन रहने की वजह से उनकी स्थिति चरमरा गई है। इसीलिए दो दर्जन से भी अधिक की संख्या में शिक्षक आज समाहरणालय पहुंचकर डीएम को आवेदन सौंपा है और कोचिंग संस्थान खोलने पर विचार करने का मांग किया है। साथ ही पत्रकारों को बताया है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए कोचिंग संस्थान खोलने के बाद डीएम से अनुमति की गुहार लगाया है। शिक्षकों का मानना है कि उनके अलावे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपयोगिता के बारे में कौन सा बेहतर बता सकता है। साथ ही बंद प्राइवेट कोचिंग संस्थान का किराया माफ करने की दिशा में भी मांग किया है। अब देखना ये लाजमी होगा कि शेखपुरा जिला प्रशासन प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने वाला शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर पाती है। साथ ही प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति पर पुनः विचार करने की डीएम से गुहार लगाई है। सब लोग किराए के मकान में लेके अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ऐसे केस में 4 महीने से हम लोग का कोचिंग बंद है, तो 4 महीने का किराया दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सरकार इस पे भी नहीं कुछ बोल रही है, ना कोई हमारे ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि हम लोगों का क्या स्थिति होगा। हम लोग कर्ज दबे दबे जा रहे हैं, दिन अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो भी डूबता चला जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपना कोचिंग खुलवाया जाए और ये 4 महीने का जो किराया है उस पर कोई सही निर्णय लिया जाए कि हम लोग क्या करें। एक मार्गदर्शन जिलाधिकारी महोदय हम लोग को एक मार्गदर्शन दे कि हम लोग को क्या करना है आगे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार भी 15-15 दिन बढ़ा रही है। जब अपना बस खुल सकता है, बस में 40-50 लोग जा सकते हैं, तो क्या हम 10-20 लोग को मिलकर बढ़ा नहीं सकते बच्चे को? और बढ़िया ही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो टीचर से अच्छा बच्चे को कौन बताएगा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में? हम लोग अच्छे से कोरोना पे काम कर सकते हैं, अगर हम लोग को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो हम लोग बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, यही हम लोगों का मांग। कितना कोचिंग संस्थान यहाँ है? यहाँ पे तकरीबन 100-150 कोचिंग संस्थान। क्या दबाव बना रहा है, क्या किराए के लिए दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल किराए के लिए दबाव बनाएगा, अभी तो नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे फोन आना शुरू हो चुका है। तो हम लोग बिल्कुल एकदम प्रेशर में आ चुके हैं कि जब कोरोना काल खत्म भी हो जाएगा, अगर खुल जाएगी, तो फिर हम लोग बच्चे से पैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग का भी अपनी मानवता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे, तो इस चीज़ों पे कोई राय लिया जाए। हम लोग भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार।